तो मैं हूँ अभी ऑडाविल के अंदर। बहुत ही शांत माहौल है यहाँ पे, बहुत सारे लोग तो है क्योंकि ऑडाविल ऐसा एक प्लेस है, पोंडीचेरी से तो लोग आते ही है, बहुत ही एक फेमस टूरिस्ट स्पॉट है, लेकिन पिन ड्रॉप साइलेंट भी है। ये मुझे सबसे अच्छा लगता है ऑडाविल। एक क्या है ना, एक एनवायरनमेंट है जो शांत है, और वो एनवायरनमेंट आपको भी अंदर से भी शांत कर देता है। मीरा अल्फासा और सी अरविंदो घोष मिलके ये ऑडाविल पूरा क्रिएट किया था, तो दोनों इतना शांत थे और ये इसका माहौल भी बहुत शांत है। बट इसके बीच में यहाँ पे दो बड़े बड़े बुटीक है, एक तो कल की बुटीक और एक इधर ये भी है, बट उसमें बहुत ही अच्छा कॉटन या जो भी हो इंडियन कल्चर का ट्रेडिशनल कपड़े मिलते हैं, लेकिन थोड़ा एक्सपेंसिव है। इन लोगों का मानना है जो ऑडाविल गांव का जो लोग है, तो उन लोगों के द्वारा ये सब चीज़ तैयार होता है और यहाँ पे आता है सेल करने के लिए। मैं तो अंदर नहीं जाऊँगा बिकॉज आई एम वेरी बोरिंग अबाउट दिस टाइप ऑफ शॉपिंग। और ऊपर का जो घर है वहाँ पे जो लोग ऑडाविल में आते हैं और रहना चाहते हैं और वॉलेंटियर का बोलो और पूरा ऐसे ही रहना चाहता है, तो सबके लिए इंफॉर्मेशन सेंटर वहाँ पे है। यहाँ पे कैफे है, तो आई डोंट नो मैं ये जो कैफे है ऑडाविल इंफॉर्मेशन सेंटर के साथ, ये बेसिकली ऑडाविल का ही है, ऑडाविल का कैंटीन भी आप बोल सकते हो, क्योंकि जो लोग यहाँ पे काम करते हैं वॉलेंटियर हो जो भी हो, उसका पास एक कार्ड होता है, वो कार्ड आके यहाँ पे अगर पंच करे तो उन लोगों का कुछ रजिस्ट्रेशन नंबर उठ जाता है, उसका उन लोगों का वहाँ का जो मील होता है वो मिल जाता है। बट नॉर्मल बाहर का पीपल के लिए वहाँ पे चार्जेबल है, मैं और आपके लिए ये फ्री नहीं है। अगर आपको यहाँ पे फ्री खाना चाहिए, यहाँ पे आना है आपको और एटलीस्ट 2-3 महीना वॉलेंटियर आप कर सकते हो। अभी कौन सा चीज़ में वॉलेंटियर करोगे ये आपके ऊपर है, आपके आप क्या जानते हो यहाँ पे। और ये सारे जो दुकान है जो हैंडीक्राफ्ट का, ये ऑडाविल विलेज में ही रहते हैं, यहाँ से ही जो क्रिएशन होता है यहाँ पे इस शॉप में आके सेल करते हैं। रिसाइकलिंग प्रोडक्ट, अपसाइकलिंग, आइसक्रीम पार्लर। देखो इतने सारे लोग हैं लेकिन बहुत ही शांत माहौल है। लर्निंग फ्रॉम ईच अदर टू अनकवर द प्रॉमिस ऑफ ऑडाविल। ये एक बहुत ही अच्छा मैसेज है। मैं भूल गया, लर्निंग फ्रॉम ईच अदर टू अनकवर द प्रॉमिस ऑफ ऑडाविल। नाउ मुझे याद आ गया, तो मैं क्या करूँ अभी 10-15 मिनट वॉक करके जाओ क्लोज ऑन। तो चलो अभी जाते हैं मातृ मंदिर। Thank you.
यहाँ से पास लेने के बाद आप मातृ मंदिर जा सकते हो। तो बेसिकली यहाँ से मातृ मंदिर 1 किलोमीटर दूर है, बाय वॉकिंग आपको जाना पड़ेगा जो विलेज है और जो सराउंडिंग वे है उसके बीच में। अगर कोई मातृ मंदिर आना चाहता है तो सुबह, मतलब आज अगर आना चाहता है तो ये स्टार्ट डे का सुबह मॉर्निंग आके यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। फिर मातृ मंदिर सुबह 8 बजे यहाँ पे आके मातृ मंदिर आप जा सकते हो। उसके बाद मतलब ये नहीं, पॉसिबल नहीं आप सुबह आ गए और मातृ मंदिर के अंदर चले जा रहे हो। आप सुबह आके मातृ मंदिर देख सकते हो और बाहर से, अंदर अलाउ नहीं है। मैं अभी मातृ मंदिर से आया, यहाँ मातृ मंदिर इंफॉर्मेशन सेंटर से 1 किलोमीटर दूर जो आसपास बहुत सारे कैफ़े हैं जो ऑडोविलियन खाना मिलता है वहाँ पे, एकदम प्योर फार्म से लेके वेगन हो, जो प्रॉपर वेगन होता है, जो किसी एनिमल को हार्म नहीं करके जो बनाता है वो गला खाना मिलेगा। बट क्या है ना, अब जब ऑडोविल के अंदर एंट्री करते हो तब ना वो फील आपको मिल जाएगा जो एक मातृ मंदिर का फील है ना, बहुत ही शांत, काम, सब कुछ आराम से चल रहे, तो ऐसा फील आपके अंदर भी आ जाएगा, मेरा अंदर भी आया। जो जो है यहाँ पे, यहाँ पे अभी इसी टाइम में बहुत लोग हैं, मेरे आसपास बहुत लोग हैं, मैं कैफ़े में बैठा हूँ सारे लंच के टाइम में, लेकिन साइलेंट है। मैं बर्ड का साउंड सुन सकता हूँ, नेचर का जो वाइब है वो फील कर सकता हूँ। ये पता नहीं यार, ये कैसे क्रिएट होता है ये माहौल। तो मादर हमेशा ये बोलते थे, काम करो, काम ही आपका योगा, वर्क इज योर योगा। सो वर्क के माध्यम में आप मेडिटेशन कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, कोई भी काम हो, आप जो काम कर रहे हो वही दिल से करो और उस काम को रेस्पेक्ट करो। तो ये थॉट प्रोसेस ना यहाँ पे दिखता है सबको। ऑडोविल के पास जो गांव है, सारे गांव के लोग जो विलेजर्स है सब कुछ ना कुछ करते हैं ये ऑडोविल के लिए। कोई कपड़ा बनाता है, कोई ऑर्नामेंट बनाता है, कोई खाना बनाता है, कोई फार्मिंग करता है, कोई जो एनिमल फार्म है वहाँ पे देखभाल करता है। सो इट्स लाइक ए ऑसम। तो अभी आया हूँ मैं ऑडोविल के अंदर जो कैंटीन है वहाँ पे लंच करने के लिए। मुझे यही मान था जो ऑथेंटिक ऑडोविलियन जो फूड होता है वो खाने का, वो सिंपल सा राइस, दाल, सब्जी ऐसा होता है जो सारे इंडिया के लोग खाते हैं, ऐसा ही खाना है, ऐसा कुछ तामझाम नहीं है, सिंपल फूड जो हम और आप खाते हैं। ओके, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, थैंक यू वेरी मच। सो ये मेरा सिंपल खाना है, राइस, कैरेट राइस, पापड़, रसम और कुछ एक सब्जी और अचार। तो मैंने बोला था ना सिंपल राइस था और ऑडोविलियन स्टाइल फूड, और भी अलग अलग होता है यहाँ पे, बहुत सारे खाना भी मिलता है, बट मुझे ऐसा कुछ सिंपल खाना ट्राई करना था आज। मैं खा लेता हूँ, बहुत भूख लगा। ऑडोविल विलेज में जो लोग रहते हैं उसके ऊपर है हिडन लेजेंड। तो मैं अभी ऑडोविल से निकल रहा हूँ,
मेरा प्लान था ऑराविल बीच जाने का, बट अभी एक यहाँ से एक डेढ़ किलोमीटर दूर ऑराविल विलेज का अंदर एक शिव मंदिर है बहुत पुराना, इरुम्बाई मंदिर, इरुम्बाई महाकालेश्वर मंदिर। तो प्लान कर रहा हूँ थोड़ा अंदर जाऊँ। मुझे मालूम है अभी ये टेंपल बंद रहेगा क्योंकि 4 बजे के बाद ही ओपन रहेगा, बट टेंपल का क्या है, मुझे बस जाना है टेंपल के सामने तक। सो लेट्स गो। ये रास्ता कहाँ जा रहा है लेकिन मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे राइड करने के। सॉरी, बट मैं किसको सॉरी बोल रहा हूँ? ओ ये सॉरी बोल रहा हूँ, बट इरुम्बाई टेंपल किसको? इरुम्बाई टेंपल, दिस वन, यहाँ से। ओके थैंक यू। यही है इरुम्बाई टेम्पल। अन्ना ये टेम्पल बंद है अभी? कितने बजे ओपन रहेगा? 4 और सुबह? सुबह मॉर्निंग 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 7 o'clock। 7 o'clock अभी 4 बजे के पहले ओपन नहीं होगा। ओके मेरे पीछे जो गेट है ये इरुम्बाई श्री महाकालेश्वर टेम्पल का गेट है, बट ये बंद है, 4 बजे के बाद ही ओपन होगा। अच्छा लगा मुझे वो वाला रोड जहाँ पे मैं आया। मेरे ख्याल से मैं बार बार बोलता हूँ ना, आप किसी कहीं पे भी जाओ, जो जर्नी होता है वो बहुत ही अच्छा होता है अगर आप वो फील कर सकते हैं तो मुझे अच्छा लगा।